हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गर्ल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग चर्चा करें नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य के अंतर्गत बनकेबरा भागवन में संकलित लेख, निबंध और संस्मरणों के बारे में। इस कड़ी में हम आज चर्चा करेंगे एक संस्मरण हमरेकर हरिका का, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। तो चलिए बिना विलंब के ही प्रारंभ करते हैं आज का है वीडियो। इससे पहले हमने अमर सेनानी, शेख भिखारी और प्रफुल्ल द एक नज़र, इन दोनों को पढ़ा है, जो कि एक संस्मरण था और एक लेख था। चलिए हम संस्मरण हमरेकर हरिकाका के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सुरेश चंद्र राय हरिकाका के जो जीवन चित्र है उनको हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि गांव कर बूढ़ा पुरनिया मनक ख्याल होले हरसठे हरिकाका कर चेहरा और उनकर दुलार भीतर है भीतर उधैक उठेला। कतना, मतलब जैसे ही किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं अपने गांव में तो एकदम से उनको हरि काका का चेहरा याद आ जाता है। कतना सुभियार और गुरुआ आदमी रहे, कितना बढ़िया और गुरुआ मतलब कि मिठास, जिसके शब्दों में जिनके कार्यों में मिठास हो उनको गुरुआ कहते हैं आदमी थे वो। गांव कर बड़ छोट जनी मरद छुआ जवान सबक ले सबक से बाबा बछरू नेवर के बोले जेके कहना हरी काका से बगरा दोसर केव में हम आज तक नहीं पाले। मतलब जो उनके में गुण था, उनमें जो विनम्रता थी, बस आज तक कह रहे हैं कि लेखक नहीं देखा। गांव कर सदाखरा में दक्षिण दने सिंह मन घर कर सोझे हरी काका कर घर, मतलब उनका घर की दिशा के बारे में बता रहे हैं। धसल छर देवाली कर भीतरे एगो ठूठू लेकर अंगज जेकर में अघन कर बाद चार भार लखे पोरा राखा तक घर मालिक कर भीतरे छोट कुन साफ सुथरा घर अंगना लिपल बाढ़ल पीड़ा चिकचिकाल। तो कुल मिला के उनके घर और आसपास की जो भौगोलिक दशा उनके बारे में लेखक बता रहे। सभे ढाबा भतखैया बटे रसुआ और माझे एगो कोठरी उकरे में घर कर चीज बसु थरका पेटी बासन बर्तन लुगा गिदरा मन रखत और हुए दुयो बूढ़ा बूढ़ी सुतबो करत रहें। रसवे धरक एगो कोना में गिनल चुनल छगरी पठरो बांधा तक, छगरी भी बकरी भी रखते थे। पूर्व जन्म कर कौन पाप कर चलते भगवान ही मन के छवा बोता नहीं दिले। ये सब क्या थे, मतलब कह सकते हैं कि ये सब क्यों कोई बच्चा नहीं था। दोनों जो हरिकाका थे और उनके पत्नी थे, इनके कोई बच्चे नहीं थे। दुयो झनक बड़ा उदासी जिंदगी, बड़ा उदास थे, बच्चे नहीं थे इसलिए। हरिकाका का समय तो गाँव का घर में एक दूसरे से भेंट घाट करके कर एक गोठियाई बतियाई में बीत जाए, मुदा काकी दिन रात यह मामूला में भीतर है भीतर कांदे काल पे। किस कारण से, क्योंकि बच्चा नहीं है। करिया नहीं तेल सांवर सफा सुथरा एक हरिया गत्तर सात हाथ कर धोती के ठेहुना तक एक टंगिया पिंधले हरिकाका उघरे गत्तर में एक गमछा नहीं तो कोनो सफा लुगा कर एक टोकरी की लेंगा खांध में फेंकत रहे। तो कैसे कपड़ा पहनते थे उसका एक जिक्र है। काकी मुश्किल से तीन हाथ कर दोहरी बदन कर गेठी ले जनाना मुँह गाल गोल रंग हरी काका से तनी दबा गहना गुड़िया या सिंगार कर नावे से दुयो हाथे लहठी मतलब शाखा और कान में तरपत एक प्रकार के कान में पहनने वाली गहना होती। गांव घर कर जनाना मन से इनकर कोनो लहिसा दाग नहीं रहे, मतलब कोई झगड़ा वगैरह ऐसा नहीं था। लहिसदाग मतलब बिहाने भात खाए के एगो उड़िया और पतूर बढ़राए कर झांटी लेकर घर से वो निकलते हैं से सांझे वो बेर डूबले पाछे घूरते हैं। गोबर मिलले एकाध धाप उन्हें से अपन गढ़ा में उझेल रखते हैं। हरी काका गांव कर बेस कविराज रहें, कविराज मतलब होता है वैद्य, जो कि लोगों का छोटा मोटा रोग वगैरह के इलाज करता है। बिहान होवे और उनकर पीड़ा में गाँव लानिक बीमारियाँ मन आवें बथा पीरा जर शीत कफ खांसी सब रकम कर बीमारियाँ मन उनकर से बेस होवें। कौन करते थे, हरिकाका कविराज मतलब वैद्य, मतलब समझिए कि जो कि लोगों को ठीक करता है। जंगली जड़ी बूटी कर इनके पास ज्ञान रहे, बाप जब दवाई बनाए तभी कर ले दरकारी जड़ी बूटी के जमुआई हरिकाका कर काम रहे। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब मेरे पिताजी कुछ दवा बनाते थे तो उसमें इनका हेल्प भी लेते थे हरिकाका का।
हफ्तों दिन कर मेहनत कर बाद उ सतावर मोथ फरियारी गुरिये सोनापट्टी गमहैर चकरौत डिगरौत हईथ चिकरी और खेतपापड़ी मन के लाइन के घरे में उझेल देते हैं। ये दवा बनाने के चीज़ें हैं। तले बाप और माए के उजरी बूटी के छुई छुई के उलट पलट के देखते हैं और उनकर मेहनत के सहराते हैं। है नी दवा बनाने के लिए जो चीज़ें लाई जाती थी उनके बारे में बता रहे हैं। जवानी बेर एक धाम हरि काका जबरदस्त बीमार पड़ रहे हैं। महीनों दिन तक उनकर जे जर नहीं उतरलक उ लंबा दिन ले खट्टिया धैर ले लें। उनकर रोगी थकल काया निरोग हो के फिर उठी कि नहीं आदमी मन के विश्वास नहीं होए। बाप कर इलाज चलते रहे से घड़ी एक दिन हमारे घर सत्यनारायण कथा सुन लें। पूजा कर प्रसादी मोहन भोग आटा कर हलवा कहे ना कि तनि बेस मुरही कर लड़ुआ साइज लखे बनाए के उनके खिया दे लें कहके हरी काका के और कहलें ले हरी ये प्रसादी के खाए ले तो बेस हो जाबे। हरी काका बेस हो गलक दादा साहेब हमके प्रसादी खिया के जियाए हैं बाबा साहेब कहते उनकर आँख में लोर डबडबा जाए। मतलब ये हरी काका के बारे में बता रहे हैं कि वो उनके यहाँ के प्रसादी खा के ठीक हो गए थे। माए कर तीन झन दुलरा देवर रहे जो लेखक है उनके तीन देवर थे उसमें एक थे हरि काका मुकुंद काका और जगदेव काका। कोनो पर्व त्यौहार कर रोटी प्रसादी के माए इमन ले कई दिन से जोगा के रखत रहे। इमन में से केवे कोनवे बेरा कयो दिन कर बात प्रगट हो के कहते हैं अलबत्ते करीला हरी आज पर्व बीते हैं रावरे के हिने आवे के मौके नहीं मिलने। मतलब उनकी मम्मी और उनके बीच जो बातचीत होती है इसको बता रहे हैं लेखक। उनके बैठाए के माए भीतरे ढुकते हैं कोठा में तले बक्सा में टुकरी में मेर के राखल पोटों में से तीन पोटों में एक तरीके का समझिए कि कपड़ों में बांध के सामान को रखते थे। तीन दिनक बासी पुआ और मोहन भई के देते हैं प्रसादी गुड़ लाइक के वो अमृत नियर खाए के पानी पीते हैं पानी तम्बाकू चढ़ाते हैं देवर भौजी कर गप घंटों चल तक। एक दिन साधारण शीत में काकी जियान हो गलक मतलब जो हरी काका उनकी जो पत्नी हो खत्म जियान हो गलक मतलब मर गई। हरी काका कर भोकर भोकर कांधे सब कर कर्जा बेद है। ये बुढ़ारी समय में बेगर छुआ पूता आकर आदमी ले घर नहीं कर नुकसान हो एक दुखदायी तो रहवे करी है ना कि पत्नी मर गई तो दुखे दुख है। अब शोक सोगान ले मुँह कान सुखा ले हरी काका गाँव में हिने होने डुमडुमाए। एगो बेसकल बुढ़िया गाय रहे उनकर थीन उकरे सेवा उ करें घर पोरा नहीं बियारी खाल बाद चुपे चुपे वो बगीचा बढ़ जाएँ और ककुरवे पोरा के खींच के लाने गाय कर आहार ले। एक आध दिन उनकर पोरा लानते कि देख लें तले 10 घंटा बात होलक पूरा मालिक से अब दंड भी देना पड़ा उनको। एक दिन कने से भूलते भटकते बालक छुआ के ले लिए एक ठुरकी ले जनाना गांव में ढुकलक। जनाना मतलब एक महिला आई एक छोटे से बच्चे को लेकर हाँसी धिधरिक में गांव कर नाती छोड़ा मनु जनाना के हरिये काका घर ढरा डेरा दिवा दिलाए। कहीं से आई इधर उधर से घूमते घामते तो उसको गाँव के जो बच्चा सब था उसको जो हरी काका है उसके यहाँ ही उस महिला को ठहरने के लिए जगह दे दिए। अब दुइयों बूढ़ा बुढ़िया एक दूसरे के पति आई के लागल विश्वास हो गया और उस जनाना अब निर्भीक रूप से हरी काका के राइंद के खियाए लागलक रात के गुड़ों हाथ कर देवे लागलक। बिहनिये गगरी लेके वो जब घर से निकले तो गांव कर जनाना मन मुँह में लुगा लेके हंसे मुदा उ जनाना की कर कोनो फिक्र ना रहे। पाछे सब कहे के लागल जाए देव भगवान बूढ़ा कर घर के फिर से बसा दिले। अब उनके लिए थोड़ा आसान हो गया भाई। नाती मन बूढ़ा से रोज़ पूछते हैं तब आजा कैसन बुढ़िया ठीक से सेवा ससुरा करेल नी। हरी काका भैर मुस्काए देवें तोहरे तो सार। मुदा गांव में उकाकी कर खूब तारीफ करें उ कहें बड़ घर कर हकें बुझबें छिलका रोटी बड़ा बढ़िया पकाए ना सब पेट मिस मिस कर हंसें। मुदा हरी काका बहुत संतुष्ट रहें अपन एखन कर जिंदगी से। यह बीच एक दिन संझाइत बेरा खरिहान ठीन बैठ के अपन जोड़ा पारी जगदेव काका से अपन भीतरी बात बतालें। का कहबे जगदेव तोर भौजी बड़ा सेवा करेला हम कहिला नाक बकाबे अक बकाबे सब मानसा कामना पूरा हुई। जगदेव काका गमलें उनकर बात के कहलें तुम्हें तो अपने बाई है किस बरखा पानी कर अभाव में से साल किसान मनक विहीनों ने घुरलक। उस साल जो था बरखा पानी नहीं हुआ इसकी वजह से उन सबों का खेती नहीं हुई ऋण पैंचुआ गाढ़ हो गलक। आदमी मन ले ईसन मौका में हरी काका और काकी एकदम ही छिड़िया गए मतलब उनकी हालत खराब हो गई। बनी भूती
कोनो नहीं भूखे रहे छोड़ और दोसर कोनो उपाय नहीं रहे। दुइयोकर पेट जरे लागलक तो प्रेम सुरधा श्रद्धा सूख गेलक। बाते बात तो दुइयो घर झगड़ा और गुल ककियो तनकी दबे नहीं खोजे मार तो मार। दोनों में जबरदस्त झगड़ा होने लग गया बाद में। फिर किनका हरि काका और जो बाद में आई एक बच्चे को लेकर उनके बीच। स्वाति कर बूंद नियर हरि काका कर सुख सिराए गलक। कई ठो बीमारी उनके ढेर लेलक। हायर मान कर एक दिन गांव में सबकर से कहें अब बड़का सरकारी अस्पताल बरियातुए चल जात ही बाबा खाएक तो मिली नहीं। हुआ से घूर के तनिए दिन में उनकरो दाना पानी हियाँ से पूर गेलक। भतीजा मन संगे गवैया अंतिम संस्कार में मैसा है कि मनवाता का निर्वाह कर लें। मतलब कि हरि काका का देहांत तो हो गया। अकाली परिया से काकी मुखिया घरे बाहरी काम गोबर फेंके घर के बाढ़राय सोढ़राय करके पोसत रहे। मतलब अब क्या करने जो जो महिला आई थी बाद में वो मुखिया के घर में धांगरीन जैसा समझिए उनका काम में हाथ बटा देती और अपना जीवन चलाती थी। पाछी उकर उके सरकार दन से बूढ़ा पेंशन वृद्धा पेंशन मिले लागलक। मुदा समय तो रोज़ बताते बीत जाएला। बूढ़िया थक गेलक और मुखिया घरक काम छोड़ के घर ही रह लागलक। बेटा बढ़ जा रहे चुटिया रांची में काम करते हैं जब तब आवे माए के देख के जाए खाए पिए कर तो कोनो दुख नहीं रहे। मुदा गत्तर अब बेसी थाकते जाए लागलक और एक रात के सुतलक तो सुतले रह गलक। इस तरीके से बुढ़िया भी खत्म। हरि क्या कर गोटे जिंदगी हमार आँख कर सामने आई जो सिनेमा कर रील नियर खुलते जाएला चल जाएला और हम कई किस्म कर भावना में माइत जाएला। तो ये जो लेखक हैं उनका एक तरीके का अपना जो देखे हैं उसका एक चित्रण है कहिए। तो चलिए सवाल देख लेते हैं। हमरे कर हरि काका नामक संस्मरण कर लेखक के है कहें तो डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। करिया नहीं तेल सांवर सफा सुथरा एक हरिया गत्तर सात हाथ कर धोती के ठेहुना तक एक टंगिया पिंधले हरि काका उधर गत्तर में एगो गमछी नहीं तो कौन सफा लुगा कर एक टुकड़ी के लेंगा हाथ खांध में फेंकत रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश कौन संस्मरण करके तो ऐसे भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा इसलिए मैंने पढ़ रखा है मतलब आपके सामने प्रस्तुत कर दिया पूरा लेख ही हमरे कर हरि काका लेख से ये ले गया है। हरि काका गाँव लेख कार हैं मतलब गांव में उनकर जो प्रसिद्धि किस तरह से थी तो एक कविराज के रूप में एक वैद्य के रूप में उनकी एक प्रसिद्धि थी। हरि काका कौन कौन बीमारी का इलाज करते हैं तो बाथा पीरा जर शीत कफ खांसी सब रकम कर बीमारी के इलाज करते हैं। हरि काका और काकी काले दुखी रहते हैं इमान कर छुआ नहीं रहे सेले इमान बांझ रहे सेले। लेखक कर माया कर कौन कौन दुलार देवर रहे तो हरि काका मुकुंद काका और जगदे काका जे रहें लेखक कर माया कर दुलार देवर रहे। ठुरकी ले जनाना भूलते भटकते एगो बालक छुआ ले ले गाँव अलग से के गाँव कर नाती छोड़ा मन केकर घरे ठहरा लें रहें तो हरि काका कर घर में ही ठहरा लें रहें जे बाद में उकर बुढ़िया बन जाए। अपन संस्मरण में लेखक सुभियार और गुरुआ आदमी के कहेला तो हरि काका के ही सुभियार और गुरुआ आदमी कहेला। तो ये रहे आजकल संस्मरण। तो चलो खत्म करेला अगले वीडियो में मिलेला। तब तक धन्यवाद जोहार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करे अपने JPSC और JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।